तो फाइनली दोस्तों गदर 2 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है और ये अपडेट है विलन के ऊपर। दरअसल हम सभी जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा में मेन विलन का रोल प्ले किए थे अमरीश पुरी, मगर ये तो हर कोई जानता है कि अब अमरीश पुरी हमारे बीच नहीं रहे, तो अब ऐसे में गदर 2 में अशरफ अली का किरदार कौन निभाएगा। जैसा कि इस बात का खुलासा मेकर्स द्वारा ही किया गया था कि गदर 2 की कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां से गदर एक प्रेम कथा की कहानी समाप्त हुई थी, इसलिए उन सभी एक्टर को गदर 2 में लिया जाएगा जो कि गदर एक प्रेम कथा में नजर आए थे लीड रोल प्ले करते हुए, जिसमें सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा एंड अमीषा पटेल ये तीनों स्टार्स तो दिखेंगे ही। मगर अब की बार इसमें अमरीश पुरी की जगह मेन विलन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे पॉपुलर एक्टर मनीष वाधवा। मनीष वाधवा इससे पहले कई सारी टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं और अभी हाल ही में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान में भी दिखे थे नेगेटिव रोल में। मगर मनीष वाधवा इसमें अशरफ अली का ही किरदार निभाएंगे या फिर अपना कोई अलग कैरेक्टर लेकर आएंगे, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। वो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अनिल शर्मा, जिन्होंने इसके पहले वाले पार्ट को भी डायरेक्ट किए थे, और इस फिल्म की शूटिंग अभी जारी है जो कि जल्द ही पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और गदर 2 अपने पहले वाले पार्ट से भी बड़ी एक्शन वाली फिल्म होगी जिसमें सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा भी दिखाई देंगे एक्शन करते हुए। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो यह फिल्म इसी साल 11 अगस्त को रिलीज कर दी जाएगी, मगर ठीक इसी दिन रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर, जॉन अब्राहम की फिल्म तारीख और तो और अजय देवगन की फिल्म सिंघम 3 भी 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हो सकती है। तो अब इतनी सारी फिल्में एक ही साथ रिलीज हो रही है, तो आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म को पहले देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मूवी से जुड़े अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई मूवी के साथ।